हाउ टू डिवाइड 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। 3 अंक की संख्या को हमने भाग करना है 2 अंक की संख्या के साथ। कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 603। 603 को 2 अंक की संख्या, 2 डिजिट की संख्या के साथ करना है। 2 डिजिट की संख्या ले लेते हैं, जैसे हम संख्या ले लेते हैं 12। उसके पहले मैंने 12 का टेबल आना चाहिए, 12 का टेबल यहाँ पे हम लिख लेंगे। 12 गुणा 1 12 12 गुणा 2 24, 12 गुणा 3 36, 12 गुणा 4 48, 12 गुणा 5 60, 12 गुणा 6 72, 12 गुणा 7 84, 12 गुणा 8 96, 12 गुणा 9 109, 108 108, और 12 गुणा 10 120। ये अपने 12 का टेबल आ गया। उसके साथ हमने क्या करना है, जैसे देखना किस पे जाएगा। सबसे पहले ये जाएगा 5 पे, 12 5 60, ठीक है। ये 0 0, ऊपर से 13। फिर हमने एक पॉइंट लगा लेना है यहाँ पर, यहाँ 0, ये 0 नीचे ले आनी है। कितना हो गया 30। अब देखना 30 किस पे जाएगा, 2 12 2 24, 30 में से 24 गया, ऐसे जाएगा। ये 3 है, 3 ये 0 0 1 इससे ले लेगी, और कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 2 में से 2 गए 0, 1 इसने इसको दे दिया ना, 10 हो गए थे, 10 में से 4 गए 6 हो गया। इधर कितना बच गया 2, 2 में 2 गए 0, कितना बच गया 6। फिर 1 0 और ले लेनी है, नीचे आ जाएगी 0, ये यहाँ पे संख्या हो जाएगी 60। फिर कितने कितने में जाएगा 5 पे, यहाँ पे कितना भी कट गया 60 60 के साथ कर कट गया। अब पर आंसर कितना आ गया 5.25। 603 को डिवाइड किया हमने 2 डिजिट की संख्या के साथ 12 के साथ। 12 का टेबल यहाँ पे लिखा है, टेबल के साथ हमने देख लिया अभी इसको कैसे किस पे जाएगा, ठीक है। 603 किस पे जाता है, सबसे पहले 5 पे जाता है, 60 की संख्या आ जाती है, नीचे 3 बन जाता है, 3 नीचे उतारते हैं 30 बन जाता है, 30 को 2 के साथ जाता है 24 24 24 में से 30 में से 24 गए 6। फिर हमने 1 0 और उतारी, कितने हो गए 60। फिर कितने में जाएगा 5 पे, 12 5 60, 60 के साथ कट गया, अपना आंसर आया 5.25, ठीक है। ओके, गुड बाय।